सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, KGF 2 का टीजर आउट हो चुका है। यस गाइस, आपने सही सुना, KGF 2 का टीजर आउट हो चुका है अभी। और इस चीज़ का हमें इतने टाइम से वेट था, मतलब हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे कि 8th of Jan 10:18 मतलब सुबह में रिलीज़ होगा, यानी कि कल। लेकिन KGF 2 की टीम से हमें इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला है और ये एक दिन पहले रिलीज़ हो गया है। मैं जस्ट ऐसे ही बैठी हुई थी और आई वॉज मेंटली प्रिपेयर कि मुझे कल वीडियो शूट करनी है क्योंकि कल टीज़र आउट होने वाला था। बट इतना बड़ा सरप्राइज़ हमें मिला है कि मुझे वीडियो के लिए रेडी होना पड़ा फटाफट से। चलो यार, मैं बिल्कुल भी इंट्रो में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, मुझे फटाफट से वीडियो देखना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो क्या कर रहे हो, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। Promise was once made. History tells us the powerful people. Ravina ki entry. Come from powerful places. History was wrong. Sanjay Dutt. My God, काफी नया लुक लग रहा है. Powerful people make places. Oh, happy birthday. Oh my God. Oh. Music. Promise will be kept. Superb. This was super duper amazing, guys. सबसे पहले तो आई विश यश सर अ वेरी हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच सर हमें इतनी सारी सुपर डुपर हिट मूवीज़ देने के लिए। बात करती हूँ टीज़र की। गाइज, इस मूवी में ना हमें ना जितना KGF 1 में एक्शन देखने को मिला था उससे दुगना मिलने वाला है, क्योंकि जैसे ही KGF के हीरो की मतलब यश सर की एंट्री दिखाई है ना, वो पूरा मशीन गन से लड़ाई कर रहे हैं और उनका जो एक्शन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, वो जब मशीन गन फिट करते हैं उसके बाद जो गाड़ियाँ होती हैं ऐसे धक 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 करके पूरा उड़ा देते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ख़तरनाक मुझे एक्शन लगा। और एक इसमें स्वैग भी दिखाया उनका, मतलब पूरी गाड़ियाँ उड़ाने के बाद वो मशीन गन से अपनी सिगरेट जलाते हैं, सो वो काफ़ी अच्छा लगा। और इनका जो लुक है ना, तो लुक तो सिमिलर ही है जैसा हमने KGF 1 में देखा था, सेम वैसा ही लुक है, उनकी हैवी बियर्ड और लंबे बाल और आँखों में वो अंगार वाला लुक, जो चाइल्डहुड की जो चीज़ें थी जो फेस करके ये बड़े हुए, वो सब चीज़ें फेस पर कहीं ना कहीं दिखती हैं, तो वो जो लुक है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बॉडी फिजिक एकदम 10/10, मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर मैं बात करूँ संजय दत्त के लुक की, उन्होंने विलन का रोल किया है और उनको विलन के रोल में हम पहले भी देख चुके हैं, काचा अग्निपथ में हमने उनको देखा था, मतलब उन्होंने इतना ख़तरनाक लुक उसमें लिया हुआ था उनको, और उनकी मतलब कान में उनको एक ईयरिंग पहना हुआ था, उस तरह का लुक दिखाया, तो मतलब विलन का लुक ना उन्होंने बहुत अच्छा सा प्ले किया था, मतलब इतना ख़तरनाक कि अगर सपने में वो रात को आ जाएँ तो बंदर डर जाएगा।
इसमें भी वही एक्सपेक्टेशन है कि विलन का रोल तो वो बहुत बखूबी निभाएंगे। और इसमें जो लुक की बात करो तो उनको बैक से दिखाया है और फ्रंट का लुक उनका कोई भी नहीं रिवील हुआ है। सो बैक साइड से जो लुक है ना वो वैसा लग रहा है लाइक पुराने टाइम के जो राजा महाराजा होते थे उनके साथ योद्धा जो होते थे उस तरह का लुक दिखाया है। उनका जो कॉस्ट्यूम है काफ़ी हैवी सा लग रहा है, शायद चोटी भी दिखाई है पीछे उनके, और वो लुक काफ़ी ज़्यादा ना इतना कैची लग रहा है। तलवार उनके हाथ में दिखाई है तो मतलब वो लुक बहुत ही ज़्यादा अटेंशन सीकर सा लग रहा है कि लाइक एकदम देख के लगे कि हाँ भैया विलन का जो रोल है वो बहुत धांसू होने वाला है। सो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और गाइस एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जो वेपन्स दिखाए हैं लाइक जो संजय दत्त हैं उनका जो वेपन है वो तलवार दिखाया है, मतलब वो तलवार से लड़ रहे हैं, और जो रॉकी है वो मशीन गन से लड़ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है लाइक जो संजय दत्त हैं उनको थोड़ा पुराने टाइम का दिखाया है, जैसे बाहुबली में कटप्पा का रोल दिखाया था, सो उस तरह से उनका पुराने टाइम का थोड़ा लुक दिखाया है, और जो रॉकी हैं उनको थोड़े से नए टाइम का लुक दिखाया है क्योंकि वो मशीन गन से लड़ते हुए दिखाए हैं। सो दोनों के जो वेपन्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, तो काफ़ी मज़ा आएगा जो फाइटिंग सीन्स होंगे उनको देखने में। एंड एक चीज़ और मुझे बहुत अच्छी लगी, जो पूरी मूवी में जो फिल्टर यूज़ किया है लाइक जो कलर दिखाया ना पूरी मूवी में पूरे टीज़र में, सो वो गोल्डन से कलर के दिखाया है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ना अटेंशन गेन कर रही है ये मूवी। सो वो चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। प्लस इसका जो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब सुन के ना एकदम जोश आ जाता है मन में, म्यूज़िक बहुत अच्छा था। और अगर मैं बात करूँ यहीं कि रवीना टंडन के लुक की, सो रवीना टंडन बहुत सिंपल से दिखाई हैं और उनका ज़्यादा कुछ टीज़र में नहीं दिखाया है, जस्ट वो वॉक करते हुए आ रही हैं और उन्हीं ने यश का यानी रॉकी का डेथ वारंट साइन किया है। सो मतलब जो पुरानी गुत्थियाँ थी ना KGF 1 में वो सब सुलझने वाली हैं, जो कन्फ्यूजन हम अपने माइंड में लेके बैठे हुए थे इतने साल से, तो वो फाइनली सब कुछ सुलझने वाला है कि क्या हुआ था रॉकी की लाइफ में, क्या हुआ था, कैसे वो इस पोजीशन पर पहुँचे और किस तरह से उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा, मतलब एक एक तरह से राजा बोलूँगी, वो बना लिया अपने आप को। सो वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है मूवी, और KGF 1 से बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी ये वाली मूवी, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेशन हम लेकर बैठे हैं और जितना कुछ हमें देखने को मिलेगा मूवी में, जितना टीज़र में मैंने देखा है, एक्शन बहुत ही अच्छा होने वाला है। और गाइस इस मूवी की जो शूटिंग हुई है ना वो रियल गोल्ड माइन में की गई है, मतलब मैं कहीं पर मैंने एक वीडियो में देखा कि जो जब रियल गोल्ड माइन में ये लोग शूट कर रहे थे तो 10 दिन से ज़्यादा शूटिंग नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत धूल मिट्टी थी, जिसकी वजह से जो 800 के आसपास जो वर्कर्स थे, मतलब जूनियर आर्टिस्ट थे जो सब काम कर रहे थे, उनकी धीरे धीरे तबीयत ख़राब होने लगी, जिसकी वजह से शूटिंग ज़्यादा लंबे तक नहीं कर पाए। सो हैट्स ऑफ टू होल टीम ऑफ KGF। और जो ये स्टोरी दिखाई है ना काफ़ी टाइम पुराने पुराने टाइम की दिखाई है, लाइक जब अमेरिका में और सोवियत यूनियन में कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से लाइक जो गोल्ड था उसके प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई हो गए थे, तो हर देश में ना ऐसा हो रहा था कि जिसके पास गोल्ड होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा रिच होगा। सो इसी वजह से जो थीम है ना वो गोल्ड पर ली गई है, तो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट। सो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए, क्योंकि जो सबके लुक है ना वो इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मतलब अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है, मतलब मुझे तो मूवी देखनी है फटाफट से। सो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप कितने एक्साइटेड हो और आपको ये टीज़र कैसा लगा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस, टेक केयर।